दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली फर्जी धमकी के बाद दौसा में सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल किया गया। दौसा के सरकारी स्कूल के बच्चों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया और स्कूल के तीन कमरों में तीन आतंकवादी घुस गए। जैसे ही दौसा के एसपी रंजीत शर्मा ने वायरलेस के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को ये जानकारी मिली तो जिले के आलाधिकारी में हड़कंप मच गया। तो अधिकारी रामकरण जोशी स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो तीन कमरों में नकाबपोश आतंकवादी जैसे युवक दिखाई दिए। कमरों के अंदर से धमाकों की आवाज भी आई जो न केवल रामकरण जोशी बल्कि स्कूल के आसपास का शहरी इलाका भी दहशत में आ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने तीन नकाबपोशों को अपने कब्जे में ले लिया और उनको पुलिस की गाड़ियों में बैठाकर थाने ले जाया गया। लेकिन जब पूरे मामले की सत्यता का पता चला तो जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एक सूचना प्रसारित हुई और वो सूचना ये थी कि रामकरण जोशी के स्कूल के कमरा नंबर 18, 19, 20 में कुछ अज्ञात व्यक्ति छिपे हुए हैं, ऐसी सूचना आई है और सावधानी रखें, ये सब आतंकवादी टाइप के लोग भी हो सकते हैं। ये सूचना कंट्रोल रूम पर प्रसारित हुई और इस सूचना पर कंट्रोल रूम ने जितने भी पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम वगैरह जो भी इसके जो प्रोटोकॉल होता है, जिन जिन लोगों को ऐसी सूचना पे पहुंचना होता है उन सबको सूचित किया और उस पर ज़्यादा टीम्स आई हैं। इस एक्सरसाइज का ये चूँकि मॉक ड्रिल थी, ये वास्तव में कोई आतंकवादी वगैरह नहीं थे और ये प्रशासन पुलिस की तरफ से कराई गई एक मॉक ड्रिल थी और इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आप को चेक करें कि हमारी टीमें, हमारी कार्यप्रणाली कितनी प्रभावी है और कितनी जल्दी हम लोग मौके पर रेस्पॉन्स करते हैं। ये मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है और ये हम लोग समय समय पर अपने आप को चेक करने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए करते रहते हैं। चलिए बढ़ते आगे। ग्रामीण डाक सेवा में 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी लेने का मामला सामने आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा मिलने पर मुख्य डाकघर अजमेर के पीआरआई ने अलवर के कैंडिडेट्स के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत की ओर से की जा रही है। अलवर के कैंडिडेट अंजू सैनी ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में आवेदन किया था। जुलाई 2023 में एबीपीएम वर्मा बीओ के पद पर चयनित हुए। कल डाक विभाग की तरफ से जानकारी उनके अनुभव द्वारा एक हमारे को दी गई है, जिसके अंदर अंजू सैनी वाइफ ऑफ संजय सैनी तथा सनी मंदिर के पास अलवर इन्होंने फर्जी मार्कशीट बना करके और उसमें आवेदन किया है। पद के लिए उसमें जब जांच की गई उसकी दिल्ली बोर्ड द्वारा, उसमें ये दिल्ली बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए सर्टिफिकेट में बताया किस प्रकार की मार्कशीट उन्होंने जारी हुई है। उस आधार पर प्रति मासिक मानते हैं उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है। 400 प्रकरण संख्या 94/2024 की जारी।